इस मॉड्यूल में हम फाइलम एनीलिडा की क्लास हायरुडीनिया के मेन रिप्रेज़ेंटेटिव लीच के नर्वस और सेंसरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे अब लीच जो है इसका नर्वस सिस्टम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फाइलम एनीलिडा के दूसरे रिप्रेज़ेंटेटिव लाइक अर्थवम अर्थवम के नर्वस सिस्टम दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम लीच का भी उसी तरह ही है इसके अंदर नर्वस सिस्टम में वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद है अब ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है ये फ्यूज नहीं है ये मुख्तफ फ्यूज नहीं है और ये हर सेगमेंट के अंदर से होती हुई क्रॉस करती हुई बॉडी के टिप से लेके एंड तक ये जाएगी एक्सेप्ट एट दी गेंगलिया गेंगलिया जो है थिकर नर्व मास हैं ये नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अब इसके गेंगलियर जो हैं ये हमारे पास इसकी बॉडी में दोनों रीजन्स पर मौजूद है एक गेंगलियन जो कि डॉर्सल साइड पे है उसको हम कहेंगे सुपरा फेरेंजियल गेंगलियन अब सुपरा फरेंजियल गेंगलियन अबव द फेरेंगस है अब दूसरा गेंगलियन जो है उसको हम कहते हैं सब फेरेंजियल गेंगलियन सब फेरेंजियल गेंगलियॉन जो है दैट इज़ बिलो द फेरेंगस अब दो तरह के गेंग्लियन हो गए सुपरा फरेंजियल गेंग्लियन और सब फेरेंजियल गेंगलियांस अब ये दोनों गेंगलियनस आपस में भी कनेक्टेड हैं अब ये गेंगलियन सिंगल नहीं देश आर टू इन नंबर ये गेंगलियनस आपस में भी कनेक्टेड है और दूसरे एक दूसरे के साथ वैसे भी कनेक्टेड है अब इसके अंदर जो दो गेंगलियनस को आपस में कनेक्ट करती है नर्व कार्ड उसको हम कहेंगे कॉमिश्योर और जो दो मुख्तलिफ गंगलियन को आपस में कनेक्ट करती है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव्स अब ये जो दो फरेंजियल गेंगलियनस सुपरा फेरेंजियल और सब फेरेंजियल गेंगलियन को जो कनेक्टिव एक दूसरे के साथ मिला रही है उसको हम कह देते हैं फेरेंजियल कनेक्टिव्स अब ये फेरेंजियल कनेक्टिव्स जो हैं दे आल फ्यूज इन टू अ नर्व रिंग और ये नर्व रिंग जो है नॉर्मली दिस इज सराउंडिंग द फेरिंग्स अब गेंगलियन जो के पोस्टीरियर एंड एनिमल के पोस्टीरियर एंड पे हैं ये भी इसी तरह से फ्यूज़ होंगे जिस तरह से ये बॉडी के एंटीरियर एंड पे थे फिर एक वैरायटी ऑफ एपिडर्मल सेंस ऑर्गन्स जो हैं दे आर नॉर्मली वाइडली स्कैटर्ड ओवर बॉडी ऑफ दी एनिमल अब ज़्यादातर लीचिस जो हैं इनके अंदर सेंस सेंस ऑर्गन्स के तौर पे फोटो रिसेप्टर सेल्स मौजूद है फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये नॉर्मली पिगमेंट कप्स के अंदर हैं और इनका नंबर जो है टू से टेन तक वेरी करता है दे आर आल्सो प्रेजेंट अलोंग द डॉसर सरफेस ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट अब नॉर्मली लीचिस का अगर हम फोटोसेंसिटिव बिहेवियर देखें तो लीचिस जो हैं दे आर सेट टू बी नेगेटिवली फोटोटेक्टिक नगेटिवली फोटोटेक्टिव का ये मतलब है कि जब भी लीचिस दे आर इन सर्च ऑफ फूड तो इनका बिहेवियर जो है वो नॉर्मली दिस चेंजिज अगेंस्ट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और इसमें पॉजिटिवली फोटोटेक्टिक बिहेवियर दोनों तरह के बिहेवियर हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं नेगेटिव फोटोटेक्टिक बिहेवियर और पॉजिटिव फोटोटेक्टिक बिहेवियर अब नेगेटिव पॉजिटिव फोटोटेक्टिक बिहेवियर जो है लीज का वो उस वक्त इंक्रीज कर जाता है जब लीज को फूड के लिए कोई भी वर्टिब्रेट एनिमल मिल जाएगा जिसके ब्लड को ये एज अ एक्टोपैरासाइट सक करेंगे जब इनका प्रे के साथ कांटेक्ट होगा उस वक्त इनका पॉजिटिव फोटोटेक्टिक बिहेवियर इंक्रीज कर अब लीच का जो जोलॉजिकल नेम है वो है हाइरिडो मेडिसिनलीस अब इसको कॉमनली मेडिसिनल लीच भी कहते हैं इसके अंदर वेल डेवलप्ड टेंपरेचर सेंस के लिए ऑर्गन्स मौजूद हैं और ये इनको हेल्प करते हैं कि जब इन्होंने किसी मैमल की बॉडी को एज आ प्रे यूज़ करना होता है तो उसके टेम्परेचर को ये डिटेक्ट कर सकते हैं अब दूसरी लीचीज़ जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टू एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द्रेड टिश्यूज इस डायग्राम में आप लीच का नर्वस और सेंसरी फंक्शंस जो हैं उनको इजीली हम देख सकते हैं यहाँ पे मेडिसिनल लीच हायरेडोमेडिसनेलीज यह इसकी बॉडी का इंटीरियर सकर है यह इसकी बॉडी का पोस्टीरियर सकर है नॉर्मली लीच जो है जो इंटीरियर सकर है इसका हेड की तरफ से इंसियन के लिए इस सकर को यूज़ करेगी जिसको हम कहते हैं इंटीरियर सकर अब ये इसकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है फिर ये इसमें जो है वो गेंगलियन्स मौजूद होंगे गेंगलियनस जो हैं दे आर नॉर्मली uh, सुपरा फेरेंजियल गेंगलियनस सब फेरेंजियल और इसमें नर्व कॉर्ड जो है दिस विल रन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी